टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं किसे वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है विश्व खाद्य कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू या फिर एफ सही जवाब है इसका ऑप्शन ए विश्व खाद्य कार्यक्रम हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह पुरस्कार दुनिया भर में भूख और खाद्य असुरक्षा का सामना करने के प्रयासों के लिए दिया जाएगा ओस्लो, नॉर्वे में नोबेल कमेटी के अध्यक्ष बेरेट रीस एंडरसन द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई विश्व खाद्य कार्यक्रम दरअसल संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है यह खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि अगला सवाल है इस साल का वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जा रहा है 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर या फिर 13 अक्टूबर सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 10 अक्टूबर इस साल का वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे दस अक्टूबर को मनाया जा रहा है यह दिवस हर साल अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है हालांकि इस साल यह दिवस दो बार मनाया गया इससे पहले यह दिवस 9 मई को भी आयोजित हो चुका है इस साल के इस दिवस की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड साथ ही आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का मकसद समूचे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अगला सवाल है हाल ही में रुद्रम नामक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किस फाइटर जेट से किया गया मेक ट्वेंटी मिराज दो सुखोई थर्टी या फिर राफेल सही जवाब है ऑप्शन सी हाल ही में डीआरडीओ ने रुद्रम नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया यह परीक्षण ओडिशा तट के पास स्थित विलर द्वीप से किया गया आपको बता दें कि मिसाइल को सुखोई थर्टी एम के वन फाइटर जेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया रुद्रम देश की पहली स्वदेश निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल है इस मिसाइल का विकास डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डी ने किया है रुद्रम हवा से सतह में मार करने वाली यानी एयर टू सरफेस मिसाइल है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अगला सवाल है हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण घर में शत प्रतिशत टैप वाटर कनेक्शन मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात गोवा पंजाब या फिर सिक्किम सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल कर लिया है इस लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही गोवा हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बन गया इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गोवा ने 2.3 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर किया है इस लक्ष्य से जल जीवन मिशन के उद्देश्यों की भी पूर्ति होगी जिसका लक्ष्य ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना और जीवन की सुगमता को बढ़ाना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक केंद्र सरकार के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वर रोजगार योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार या फिर उत्तराखंड सही जवाब है इसका ऑप्शन डी उत्तराखंड हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सौर ऊर्जा खेती द्वारा स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना इस योजना का मकसद हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य के युवाओं को रोजगार देना साथ ही प्रवासियों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया करना है इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर संयंत्र आवंटित किए जाएंगे और दस हजार लोगों को इस योजना के तहत स्वरोजगार मिलेगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी पांचवा सवाल लेते हैं खबरों में रहा शब्द सागर कवच क्या है पंडुब्बी का नाम तटीय सुरक्षा अभ्यास केरल की एक जल संरक्षण स्कीम या फिर भारत और मालदीव के बीच संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास सही जवाब है इसका ऑप्शन बी हाल ही में सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया इसका आयोजन नौसेना तटरक्षक बल और केरल तथा कर्नाटक सी बोर्ड द्वारा किया गया यह दो दिवसीय अर्धवार्षिक तटीय सुरक्षा अभ्यास है इस अभ्यास में गश्ती जहाजों और नौकाओं से लेकर फिशिंग क्राफ्ट फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट आदि ने हिस्सा लिया तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अगला सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए रायका चरवाहा समुदाय का संबंध गुजरात से है मालधारी घुमंतु समुदाय राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में बहुतायत संख्या में दिखते हैं उपरुक्त में से कौन सा या से कथन सही है यह है केवल एक केवल दो उपरुक्त दोनों दोनों में से कोई नहीं सही जवाब है इसका ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में रायका समुदाय के लोग बहुतायत संख्या में रहते हैं ये लोग इस इलाके में ऊँट चराने का काम करते हैं जिस बस्ती में रायका समुदाय रहता है उसे ढंडी कहते हैं पश्चिमी राजस्थान के बलोतरा में लगने वाले ऊंट मेले और पुष्कर ऊंट मेले में ये ऊंट पालक यहाँ ऊंटों की खरीद बिक्री के लिए आते हैं बलोत्रा के ऊंट मेले में गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं मालधारी चरवाहों का संबंध गुजरात से है इनके गाँव गुजरात के कच्छ के रन में है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अगला सवाल है गुज्जर बकरवाल समुदाय का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है सिक्किम जम्मू कश्मीर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर उत्तर प्रदेश सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते उन्नीसवी सदी में यहाँ आए थे जैसे जैसे समय बीतता गया ये यहीं के होकर रह गए और यहीं बस गए तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी अगला सवाल गोल्ला और कुरबा नामक चरवाहों का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों से है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश केरल और तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड असम और अरुणाचल प्रदेश सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पठारी इलाकों में मवेशियों भेड़ बकरियों और गडेरिया का ही बसेरा रहता है यहाँ गोला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते हैं वहीं कुरमा और कुरबा समुदाय के लोग भेड़ बकरिया पालते हैं और हाथ के बुने कंबल का व्यापार करते हैं वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ अन्य दूसरे काम धंधे भी करते हैं पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी के हिसाब से तय नहीं होता ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं सूखे मौसम में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते हैं जबकि बरसात शुरू होने पर ये वापस पठारी इलाकों में आ जाते हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य से बंजारा समुदाय का संबंध है उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश या फिर उपर्युक्त सभी सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का है बंजारे राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कई इलाकों में रहते हैं बंजारा शब्द वनज से लिया गया है जिसका अर्थ व्यापार और यात्रा से मिलता जुलता है बंजारों को देश के विभिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है जैसे आंध्र प्रदेश में लंबाड़ा या लंबाड़ी कर्नाटक में लंबानी राजस्थान में ग्वार और ग्वारिया तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए महाराष्ट्र के इलाकों में धंगर एक जाना माना चरवाहा समुदाय है मोनपा अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय है उपरुक्त में से कौन सा या से कथन सही है यह है केवल एक केवल दो उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं सही जवाब है इसका ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों महाराष्ट्र के इलाकों में धंगर एक जाना माना चरवाहा समुदाय है धंगर गढ़ेरिए बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारी इलाकों में रहते हैं ये एक अर्ध शुष्क इलाका है जहां बारिश बहुत कम होती है और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं होती चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां होती है ऐसे में मानसून के समय में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती है मोनपा अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय है भोटिया शेरपा और किन्नौरी उत्तर भारत के कुछ प्रमुख चरवाहा समुदाय हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे स्वामित्व योजना संपत्ति योजना स्वाभिमान योजना या फिर स्वरोजगार योजना तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गुड बाय